मैं अपनी पिछले वीडियो में सर्वनाम बताई थी। सर्वनाम पर कुछ हम अभ्यास कार्यों को कर लेते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप पूरी तरह से तैयार हैं सर्वनाम को देखने के लिए, सर्वनाम के अभ्यास कार्यों को करने के लिए। तो सर्वनाम तो आप पहले ही समझ चुके हैं, संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द हैं या संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के सर्वनामों को भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इन खाली जगहों को उचित सर्वनामों से भरकर इसे हम पूरा करेंगे। पहला है खाली जगह परिश्रम करेगा, खाली जगह पास हो जाएगा। यहाँ आपको उचित सर्वनामों से इन्हें भरना है। दूसरा है खाली जगह पिताजी चले गए हैं। तीसरा है खाली जगह क्या नाम है, खाली जगह परम प्रिय बेटी मीना आई है, खाली जगह अंगा का खाली अंग यह, खाली जगह खड़ा है। इन सारे रिक्त स्थानों को आपको उचित सर्वनामों से भरना है। जैसे कि पहले वाले वाक्य को जो हम देख रहे हैं, यहाँ तो ये समझ में आ रहा है कि ये संबंध सर्वनाम का ही उदाहरण है, तो ये हमें यहाँ पर दोनों रिक्त स्थानों को ऐसे सर्वनाम शब्दों से भरना है जिससे दोनों सर्वनामों में संबंध स्थापित हो जाए। डैश खाली जगह परिश्रम करेगा, खाली जगह पास हो जाएगा। यहाँ हम इनके उत्तर को देखते हैं, जो परिश्रम करेगा वह पास हो जाएगा। तो ये अगर हम भेद भी हम देखते हैं, ये जो वह ये क्या है, जो वह ये सर्वनाम के शब्द हैं, जो परिश्रम करेगा वह पास हो जाएगा। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि दोनों सर्वनामों के बीच संबंध भी स्थापित हुआ है, मतलब ये संबंध सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम का ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में जो ये दोनों सर्वनाम हैं, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। डैश पिताजी चले गए हैं, ठीक है, तो सर्वनाम के शब्द मेरे पिताजी चले गए हैं। यहाँ पर पिताजी सिंगुलर ही है, लेकिन चूंकि पिताजी मेरे पिताजी पिताजी जो है उन्हें हम बहुवचन में ही देखते हैं, उन्हें आदर देने के लिए मेरे पिताजी चले गए हैं, मेरे पिताजी चला गया है हम नहीं कहते हैं, तो ये भी है मेरे पिताजी। तीसरा है डैश खाली जगह क्या नाम है, उसका क्या नाम है सर्वनाम हो गया, उसका क्या नाम है, ये जो उसका है यहाँ पर, ये उसका ये कौन सा सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक अन्य पुरुष। मेरे पिताजी चले गए हैं ये भी पुरुषवाचक है, लेकिन ये उत्तम पुरुष है क्योंकि ये बोलने वाले के लिए आया है, वक्ता बोलने वाले के लिए आया है। चौथा हम देख ले डैश परम प्रिय बेटी मीना आई है, यहाँ भी हमें क्या भरना है, उचित सर्वनाम का प्रयोग करना है। परम प्रिय बेटी मीना आई है, उसके पहले खाली जगह है, तो हम यहाँ पे उनकी परम प्रिय बेटी मीना आई है, यहाँ पर उनकी भर देने से, उनकी सर्वनाम शब्द को लगा देने से ये अच्छे से ये बन जाता है, ये वाक्य एकदम संपूर्ण हो जाता है। उनकी परम प्रिय बेटी मीना आई है, ये भी पुरुषवाचक है और अन्य पुरुष है। अब हम आते हैं एक दूसरे प्रश्न पर, रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम भरकर अनुच्छेद को पूरा कीजिए। एक पैराग्राफ एक अनुच्छेद है जहाँ पर आपको क्या करना है, जो सारे शब्दों को रेखांकित किया गया है अर्थात अंडरलाइन किया गया है, आपको उन शब्दों को, ठीक है, वहाँ पर सर्वनाम शब्दों को लिखना है और अनुच्छेद को फिर से लिखना है। जैसे सीता ने सीता की सहेलियों के साथ मसूरी जाने का कार्यक्रम बनाया, सीता की सहेलियों ने सीमा से, ये सीमा है, सीता की सहेलियों ने सीमा से पूछा क्या सीमा मसूरी चलेगी। सीमा इस पे ये अंडरलाइन है, मतलब यहाँ पे बदलेगा, ये सर्वनाम आएगा, उचित सर्वनाम को भरना है। सीमा ने कहा,
हाँ चलूंगी, लेकिन रीमा चलेगी तब। सीमा ने कहा कि वो चलेगी अगर रीमा चलेगी तब। रीमा के नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, इसको हम नहीं बदलेंगे। रीमा का सबसे शुरू बार रीमा का नाम आया। रीमा ने रीमा के पिता से पूछा, क्या रीमा मसूरी जा सकती है? ये जो डबल इन्वर्टेड है ना, इसका अर्थ है कि ये इसके पिता खुद कह रहे हैं। जब कोई कहते हैं उसमें उनकी बात को पूरा लिखना होता है। अगर पिता कहेंगे तो पिता कैसे कहेंगे? क्या पिता कह रहे हैं, ठीक है, सॉरी, रीमा ने रीमा के पिता से पूछा, रीमा बात कर रही है, क्या वह, क्या मैं, रीमा जब बात कर रही है तो यहाँ सिंगल डबल इन्वर्टेड है, मैंने रीमा जब बात करी है मैं ऐसे ही बोलेगी, क्या मैं मसूरी जा सकती हूँ, ऐसे ही आएगा। रीमा के पिता बोले, अब रीमा के शब्द, रीमा के पिताजी के शब्दों में आएगा कैसे? अगर तुम्हारी अध्यापिका, मैंने रीमा की अध्यापिका साथ जा रही है तो रीमा भी जा सकती है। डबल इन्वर्टेड को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ भी डबल इन्वर्टेड है उसमें वो व्यक्ति कैसे बात करता है उसकी अपनी बात है। डबल इन्वर्टेड का अर्थ होता है एकदम एग्जैक्टली वो व्यक्ति क्या कहा होगा उसको लिखना है, उसे ध्यान में रखते हुए करना है। नहीं तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन है वहाँ पर हम साधारण रूप से सर्वनामों को बदलेंगे। अब हम इसके उत्तर में आते हैं। सीता ने सीता की सहेलियों के साथ मसूरी जाने का कार्यक्रम बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा? सीता ने अपनी सहेलियों के साथ मसूरी जाने का कार्यक्रम बनाया। अंडरलाइन है फिर, सीता की सहेलियों ने सीमा से पूछा, क्या सीमा मसूरी चलेगी? वहां पे सीता में जब अंडरलाइन है तो उसकी सहेलियों ने सीमा से पूछा, ठीक है, उसकी सहेलियों ने सीमा से पूछा, क्या सीमा मसूरी चलेगी, क्या वह मसूरी चलेगी। सीमा के नीचे अंडरलाइन है, सीमा ने कहा, मतलब उसने कहा, हाँ चलूंगी लेकिन रीमा चलेगी तब। रीमा ने रीमा के पिता से पूछा, रीमा के नीचे फिर अंडरलाइन है, ये रहा, रीमा ने रीमा के पिता से पूछा, डबल इन्वर्टेड, क्या रीमा मसूरी जा सकती है? तो यहाँ पर होगा, रीमा ने अपने पिताजी से पूछा, डबल इन्वर्टेड है, मैंने रीमा के शब्दों में बात करना है, क्या मैं मसूरी जा सकती हूँ? रीमा के पिता बोले, अगर रीमा की अध्यापिका साथ जा रही है तो रीमा भी जा सकती है, डबल इन्वर्टेड है, उसके पिता के शब्दों में बोलना है। तो रीमा के पिता बोले, अगर तुम्हारी अध्यापिका साथ जा रही है तो तुम भी जा सकती हो। ये तुम भी जा सकती हो, तुम्हारी, ये भी आया है, क्या मैं, ये भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी अनुच्छेद को उच्ची सर्वनामों को बैठाकर, इस अनुच्छेद को उच्ची सर्वनामों को बैठाकर यहाँ पर ये लिखा गया है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। यहाँ पर उच्ची सर्वनामों का प्रयोग कर इसको लिखा गया है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। वाक्यों में रेखांकित सर्वनामों के प्रकार बताइए। वाक्यों में ये तो दूसरा वाला था, रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम भरकर अनुच्छेद को लिखिए, ये इसका उत्तर रहा। अब तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। वाक्यों में रेखांकित सर्वनामों के प्रकार बताइए। जो नीचे वाक्य है क ख ग घ, इन वाक्य में जो रेखांकित सर्वनाम शब्द हैं, आप वहां कब जाएंगे, आपके नीचे रेखांकित है आप,
वहां कब जाएंगे? प्रश्न भले ही सॉरी वाक्य भले ही प्रश्न शैली में है, लेकिन सर्वनाम प्रश्नवाचक नहीं है बच्चे, इसको थोड़ा ध्यान देना है। आप वहां कब जाएंगे? आप पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्यम पुरुषवाचक है। दूसरा, वह रघु की पुस्तक है। हम एकदम डेफिनेटली कह रहे हैं, निश्चित होकर कह रहे हैं कि वह रघु की पुस्तक है। तो ये जो वह है निश्चितता का बोध करवाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आया है ये वाला वाक्य भी प्रश्न शैली में है। रेखांकित किया हुआ शब्द, रेखांकित किया हुआ सर्वनाम भी प्रश्न है। कौन तो प्रश्न होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ कोई रहता है, कोई शब्द यहाँ पर संदेह को दिखाता है, अनुमान को दिखाता, निश्चितता को बताता है। यहाँ कोई रहता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये कुछ हम सर्वनामों के अभ्यास को किए, सर्वनामों के ये कुछ अभ्यास है। इस तरह के सर्वनामों पर, सर्वनामों के अभ्यास पर प्रश्नों को करना आवश्यक है। तो आओ आज मैं यहीं तक रखती हूँ। पहले वाले का ये प्रश्न जो है, फर्स्ट वाले का, उसका मैं उत्तर यहाँ पे रखी हूँ। दूसरा वाला जो आया अनुच्छेद, उसका उत्तर ये रहा, और तीसरा ये। आज मैं सर्वनामों पर अभ्यास के प्रश्नों को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, प्रश्न उत्तर को। अगले वीडियो में मैं और कुछ सर्वनाम पर अभ्यास लेकर आऊँगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।